प्लीज डी लॉर्ड सिस्टर प्रभु की स्तुति हो. थैंक यू जीजस. माय नेम इज नगीना एस के स्वामी. आई लिव इन महाराष्ट्र. मेरा बैकग्राउंड हिंदू कास्ट से है और अब मैं एक मसीह हूँ. एक दिन मैं बहुत परेशान थी. कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी और हम रेंट पर भी रहते हैं तो कुछ रेंट का भी प्रॉब्लम था. तो मैंने उस दिन बड़े बोझ के साथ प्रभु से प्रार्थना की और मैंने कहा कि प्रभु तो मेरी ना सुने तो अपने दासों की तो सुनेगा. और मैंने यूट्यूब ऑन किया और उस पर देखा कि एक न्यू प्रेयर आई हुई है, जो एक न्यू लिंक था जो दीप्ति सिस्टर का था. और मैं सच में धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, क्योंकि प्रभु जानता है. ये बात हमें बाइबल बताती है कि प्रभु जानता है हमारे मन की बातों को हमसे पहले, कि हम क्या करना चाहते हैं और हम क्या करेंगे. तो प्रभु जानता था मैं ज़रूर यूट्यूब ओपन करेंगी और मैं प्रेयर ज़रूर देखेंगी. तो उन्होंने मुस्तक दीप्ति सिस्टर का वो प्रेयर पहुंचाया ताकि मैं उसे देखूं. और जब मैंने उसे देखा तो वो 14th अप्रैल और 2020 के दिन की बात है. मैंने उस प्रेयर को किया क्योंकि वो ऑयल एनॉइंटिंग प्रेयर थी और वही देखकर ही मुझे लगा मुझे देखना चाहिए. जैसे सिस्टर ने कहा मैंने वैसा ही किया और प्रभु ने मुझ पर दया की, मुझे उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला. और ये नहीं बल्कि मिरेकल वाली बात ये थी कि मैंने जिस चीज़ के लिए प्रेयर की थी प्रभु ने वो तो किया ही, लेकिन जिसके लिए मैंने नहीं की थी प्रभु ने उसको भी ठीक किया. मेरे 6-7 साल से मेरे पैर पर एक रसौली की गांठ थी और मैंने उस वक्त उसके लिए प्रेयर नहीं की थी, फिर भी प्रभु का अनुग्रह हुआ और 1 वीक के अंदर मैंने देखा मेरे पैर की गांठ में कुछ चेंजेस है. तो मैंने मेरे घर में मेरे मदर इन लोगों को दिखाया और मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा ये तो ठीक हो रही है. तो मैंने कहा प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि ये सब प्रभु ने किया है. मैंने एक प्रेयर देखी थी जो दीप्ति सिस्टर की थी, उसमें उन्होंने रसोली के लिए प्रेयर की थी और उनकी प्रार्थना, जब उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की तो प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना. मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे चंगाई दी और मेरे पैर की रसोली की गांठ जो थी वो पहले मेरे स्किन के कलर में थी, फिर वो थोड़ी सी वाइट होने लगी और मेरे दिल में आया कि मुझे शायद एक फ़ोटो लेना चाहिए. और मैंने उसी वक्त एक फ़ोटो लिया. मैं इसकी गवाही दूंगी, ऐसा मेरे दिल में आया था. तो शायद वो प्रभु का आत्मा मेरे अंदर लेके आया कि मुझे गवाही देनी चाहिए, इसलिए शायद देनी पड़ेगी, इसलिए मुझे वो फ़ोटो खींच लेना चाहिए. तो मैंने खींच लिया और मेरे घर में मेरे फैमिली में हर कोई मुझसे कहता था चलो डॉक्टर के पास दिखा लो, ये क्या है, ये कैसी गांठ है, ये रसौली है. और उसे गैंग्लियन सिस्ट भी कहा जाता है. तो मैंने कहा नहीं नहीं. और मेरे घर में मेरे कुछ मेंबर्स ये भी कहते थे कि चलो एक झाड़ा वाला पापा है, वो झाड़ा लगाता है, उसे ठीक हो जाएगी. पर मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रभु पर ही यकीन है. मैंने सब प्रभु के हाथ में छोड़ा हुआ है, जब उनकी मर्जी होगी वो ठीक कर देंगे. और जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम्स होती है तो मैं सीधा सिर्फ प्रभु को ही बोलती हूँ. मैं कहीं नहीं जाती, मैं प्रभु को ही बोलती रहती हूँ, फिर वही मुझे चंगाई देते हैं. और ऐसा है, एक दो बार पहले भी ऐसा जब मुझे फीवर वगैरह होता था तो मैं ऐसा ही करती थी. और कुछ दर्शन भी प्रभु ने जब मुझे दिखाए थे, कुछ ऐसा जो भविष्यवाणी थी क्योंकि मैंने अभिषेक भी पाया है, तो ऐसा हर बार मेरे साथ होता है क्योंकि मैं प्रभु को बोल देती हूँ तो प्रभु मुझे देते हैं. लेकिन ये जो था मेरे जीवन में, इसके लिए मैंने कभी सोचा नहीं था और सच में मेरे लिए मिरेकल की बात थी. मैं गवाही नहीं देना चाहती थी पर सच में प्रभु कहते ना, प्रभु को सब पता होता है. तो प्रभु ने दीप्ति सिस्टर के द्वारा मुझे 2 टाइम बात की है. एक वक्त का मुझे याद नहीं है, उन्होंने उस वक्त भी शाम के ही समय प्रेयर की थी और कहा था कि ये जिसके जीवन में रसौली की चंगाई हुई है और उसने फोटो खींचा है वो फोटो को भेजे. और ऐसा ही फिर से सिस्टर के द्वारा प्रभु ने बात किया, वो भी 17th 8th 2020 की प्रेयर को बात किए थे. क्योंकि जब से मैंने सिस्टर दीप्ति का प्रेयर देखा था उसे मैंने सब्सक्राइब कर लिया था क्योंकि मुझे बहुत अच्छी वो प्रेयर लगी थी और मैं उसे बहुत दिल से सुनती थी. इसीलिए सच में थैंक यू जीसस, यू आर ग्रेट. और मेरी वो
रसोली की गवाही के लिए जो मैंने फ़ोटो खींचे थे वो मेरे फ़ोटो मैंने यहाँ डाले हैं ताकि यकीन हो, क्योंकि कुछ लोग हैं वो विश्वास नहीं करते हैं, उनको लगता है मनगढ़ंत कहानियाँ बोलते हैं, पर मैं सच में कहती हूँ कि सच में खुदा दयालु कृपालु है, वो सच्चा जीवित खुदा है और उसने करके दिखाया है, मेरे जीवन में दिखाया। मैं तो सच दिल से कहती हूँ कि सच में यीशु ही खुदा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे गवाही देने के लिए खड़ा किया। सच में थैंक यू जीसस, थैंक यू। मैं प्रेयर करती हूँ दीप्ति सिस्टर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके फैमिली के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनके जितने भी प्रेयर टावर्स होंगे उन सभी के लिए। और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, उनको ब्लेस करें, उन्हें और अनुग्रहित करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ प्रभु और यीशु पिता भी चाहते ही हैं कि उनके लोग बचाए जाएं। तो मैं चाहती हूँ कि और अन्य जातियाँ और भी जो मसीही लोग हैं जो प्रभु से दूर हो गए हैं वो इस प्रेयर को सुने और उनकी ज़िंदगी बच जाए सच में।